एक तरफ जहां कोविड महामारी के कारण 2 साल बाद केदारनाथ यात्रा संचालित हुई है और चारों धामों में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस दौरान एक अनदेखी भी की जा रही है और वो है जानवरों की अनदेखी। जी हाँ, जहाँ एक तरफ घोड़े खच्चरों के बिना चार धाम यात्रा होना मुश्किल है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की अनदेखी की जा रही है। जगह जगह पर जानवर पड़े हैं, कोई मौत तो किसी की हालत बदतर हुई है। इस वीडियो में देखिए जानवरों के साथ ये कैसा व्यवहार किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर से, और आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि चार धाम यात्रा इस वक्त अपने पूरे स्वाब पर है। केदारनाथ यात्रा का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, और केदारनाथ की जो यात्रा है वो बिना घोड़े खच्चरों के असंभव सी है। हजारों यात्री केदारनाथ आते हैं और घोड़े के साधनों के साथ अपनी चार धाम की यात्रा पूरी करते हैं। इस वक्त अगर आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ में 80,000 खच्चर और घोड़े मौजूद हैं। वो यात्रियों को ऊपर ले जाने का काम करते हैं और नीचे लाने का काम करते हैं। साथ ही जो सामान केदारनाथ तक पहुंचता है वो घोड़े खच्चरों की मदद से ही वहां पहुंचता है। लेकिन इंसान पैसों के लालच में और पैसों के लिए इस वक्त इस समय इतना ढीठ बन चुका है कि वो इन बेजुबान जानवरों पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो केदारनाथ मार्ग पर कम से कम 100 से ज्यादा घोड़े ऐसे मर गए हैं। बताया जा रहा है कि बीमारी है, किसी अज्ञात बीमारी की वजह से घोड़े खच्चर उनकी ये मौत हो रही है। लेकिन एक बात जब मैंने लोगों से बात करी या लोगों को पूछा, लोगों से जाना, जो यहाँ के बाकी घोड़ा मालिक हैं, घोड़ा चालक हैं, ये जो चेले हैं, उनका कहना है कि घोड़ों की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि उनके जो सामान ढोया जा रहा है, जो यात्री उन पर लादे जा रहे हैं, जो मेहनत उनसे कराई जा रही है, उसकी वजह से हो रही है। और रास्ते में आपको लगभग जब आप ऊपर की तरफ केदारनाथ यात्रा करोगे तो 4-5 घोड़े हर दिन मृत पाए जाएंगे। एक मैं अभी आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये घोड़ा भी, इसकी सुबह आज मौत हुई और इसको अब यहाँ पर नदी में फेंका जा रहा है। हालांकि ये नदी यहाँ से निकलती है और लाखों लोग इसमें स्नान करते हैं, गौरीकुंड में इस नदी में लोग स्नान करते हैं, यहाँ से केदारनाथ से ये गंगा आती है। लेकिन वही बात, सवाल वही है कि इंसान पैसों के लिए कितना निर्लज्ज होते जा रहा है, इन बेजुबान जानवरों पर बिल्कुल भी रहम नहीं हो रहा है। और खास कर जब देखा जाए तो बच्चों, खच्चर के जो बच्चे हैं, खच्चरों पर इस तरह की जो अजमाइश की जाती है, जो वजन इन पर डाला जाता है, उनकी हालत बिल्कुल खस्ता है। और हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक दिन में 2-3 बार इन खच्चरों को जबरदस्ती यहाँ से केदारनाथ ले जाया जाता है और उसके बाद इन्हें वापस यहाँ लाया जाता है। रास्ते का ही एक और दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये घोड़ा पड़ा हुआ है, हालांकि ये अभी जिंदा है लेकिन इसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है और इसका मालिक न जाने कहाँ है। आप देख सकते हैं, यही स्थिति केदारनाथ मार्ग पर आपको देखने को मिलेगी। 4-5 घोड़े हर दिन यहाँ पर मृत हो रहे हैं, लेकिन कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा और कौन इस बात का ख्याल रखेगा कि इन बेजुबान जानवरों पर जो जुर्म इस वक्त पैसों के लिए ढाया जा रहा है, चारधाम यात्रा पर ढाया जा रहा है, वो आखिरकार कितना जायज है। एक इंसान होने के नाते अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। आप देख सकते हैं नीचे घोड़े किस अवस्था में पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-5 घोड़े बिल्कुल लेटे हुए हैं, क्योंकि वो रात को 2 बजे लग जाते हैं रास्ते, और अगले दिन 12-1 बजे तक ऊपर आना जाना, और कभी कभी तो 2 राउंड भी घोड़ों के लग जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और क्या इस तरह का जो जुर्म इन बेजुबान जानवरों पर ढाया जा रहा है, क्या वो जायज़ है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।